द्रौपदी मुर्मू जी कोई भविष्य में ऐसा कदम उठा पाएंगी? क्या संघ और बीजेपी के द्वारा चुनकर आने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू जी कोई एक हस्ताक्षर उस पन्ने पर कर सकती हैं जिससे आदिवासियों के सामूहिक हित उनको पूरे हो सके? क्या केवल एक ऐसी रबर स्टाम्प की मोहर बन जाना है जैसे रामनाथ कोविंद दलितों के लिए थे, जैसे नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, जैसे तमाम 27 कैबिनेट के मंत्री ओबीसी, 12 कैबिनेट के मंत्री केंद्र में दलित, फिर भी दलितों पिछड़ों आदिवासियों के आरक्षण खत्म किए जा रहे, कि दलित राष्ट्रपति बनाया रामनाथ कोविंद को, प्रचार किया गया और उसी राष्ट्रपति के रहते हाथरस कांड हुआ, उसी राष्ट्रपति के रहते दलितों पर अत्याचार बढ़ते गए, मूछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल को मारा गया, उत्तराखंड में सुनीता देवी को के हाथ से खाना खाने से इनकार कर दिया गया, दलितों का आरक्षण खत्म किया गया, दलितों पर अन्याय अत्याचार बढ़ते चले गए, कभी राष्ट्रपति ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। यानी एक ऐसे रबर स्टाम्प को आगे रख दिया गया है जिनका चेहरा दिखाकर आपको कहा जाएगा कि हम कर तो रहे सामाजिक न्याय, हमने दिया तो मौका 75 साल में पहली बार। एनडीए ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रस्तावित किया है और जो समीकरण बनते देख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए अपने प्रत्याशी को विजयी बना करके देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पर एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को पहली बार भारत के राष्ट्रपति बनाने की ओर कदम बढ़ा चुका है। ये खबर बहुत दिलचस्प है इस लिहाज से भी कि आज़ाद भारत के तकरीबन 75 साल बाद इस देश को एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर मिलने वाली है। अगर सब कुछ एनडीए के गणित के मुताबिक रहा तो द्रौपदी मुर्मू ही भारत के अगली राष्ट्रपति होने वाली हैं। लेकिन इस पूरे बातचीत के पीछे एक और दृश्य है जो इस देश को सोचना, समझना और जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा, अपने दृष्टिकोण को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के चुनाव जीतने के लिए उस सॉफ्ट चेहरे को आगे किया जो एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी को सेकुलर, लिबरल, हर तरह के लोग पसंद करते हुए कहते थे वाजपेयी नेता तो अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में है। भुला दिया जाता था वाजपेयी का नुकीले पत्थरों को समतल करना और तमाम किस्म के धार्मिक राजनीति को उसकी सॉफ्टनेस के लिबास के नीचे, और बाद में उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और अब नरेंद्र मोदी की राजनीति आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जिसने कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। उन्होंने बहुत कूटनीतिक तरीके से हर दौर में सत्ता पाने के लिए कोशिशें की। राम मंदिर आंदोलन जैसे लौलुहान यात्रा पर चलने के बावजूद उन्होंने कभी अपने लिए शिकन नहीं महसूस की कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद विध्वंस किया, हाँ हमने राम मंदिर आंदोलन किया, हाँ हमने मंदिर के नाम पर वोट मांगा, लेकिन वो अपनी विचारधारा पर और मजबूती से खड़े होते चले गए। 370 हटाना, ट्रिपल तलाक हटाना, एक ऐसा परिदृश्य हमारे आसपास बना। जब मैं ये आपसे बातचीत कर रहा हूँ राष्ट्रपति पद के चुनाव पर, तो उस समय आप गौर करेंगे तो यही पाएंगे कि अगर रोजगार की बात करें युवा, तो बीजेपी करेगी 370 की बात। आप कहेंगे महंगाई तो वो कहेंगे ट्रिपल तलाक, आप कहेंगे बेरोजगारी तो वो कहेंगे कश्मीर, आप कहेंगे दवाई तो वो कहेंगे पत्थरबाज, आप कहेंगे शिक्षा तो वो कहेंगे मस्जिद के नीचे मंदिर। इसका मतलब यह है कि बीजेपी निश्चित रूप से स्पष्ट तौर पर अपने एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ आप तमाम विपक्षी दलों को देखिए जिन्होंने एक रिटायर्ड संघी बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा को अपना साझा उम्मीदवार घोषित किया, जबकि बीजेपी ने पहली बार एक दलित, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के नामांकित किया। अब इन दोनों को देखिए तो आपको लगेगा कि विचारधारा स्पष्ट है बीजेपी की और विचारधारा के लिहाज से टोटली कंफ्यूज है विपक्ष के सारे दल। 75 साल बाद आप केवल यह निर्णय ले पाते हैं कि संघ का एक व्यक्ति आपको इतना अच्छा लगने लगा कि बीजेपी को हराने के लिए उन्हीं के व्यक्ति को आगे कर रहे हैं। आप ऐसे भी किसी व्यक्ति को आगे कर सकते थे जिससे कि आपका नयापन दिखता, कांग्रेस का दिखता कि वो अपनी गलतियों से सीख रही है। तमाम वामपंथी, सेकुलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव लोग यह साझा उम्मीदवार ऐसा चुनते जिससे कम से कम अपना चेहरा तो बचा सकते, लेकिन ये बहुत नुकसानदायक और घातक काम किया गया है। इसलिए इस पूरे विमर्श में हम ये बात कहते हुए कि कांग्रेस, लिबरल और तमाम विपक्षी दलों ने एक बेहद
आपत्तिजनक कैंडिडेट का चुनाव किया है, लेकिन इस बात से, कांग्रेस की कमियां गिनाने से, विपक्षी दलों के नाकारापन के गिनाने से बीजेपी का काम बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। आखिरी टिप्पणी मेरी इस बात पर यह है कि विपक्ष नाकारा है ये हम भी कहते हैं, ऐसे सत्ता पक्ष की खूबियां गिनाना हम शुरू नहीं कर देंगे। अब आखिरी बात ये कि दलित राष्ट्रपति बनाया रामनाथ कोविंद को, प्रचार किया गया, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करता है कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया है, और उसी राष्ट्रपति के रहते हाथरस कांड हुआ, उसी राष्ट्रपति के रहते दलितों पर अत्याचार बढ़ते गए, मूछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल को मारा गया, उत्तराखंड में सुनीता देवी को के हाथ से खाना खाने से इनकार कर दिया गया, दलितों का आरक्षण खत्म किया गया, दलितों पर अन्याय अत्याचार बढ़ते चले गए, कभी राष्ट्रपति ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। यानी उस राष्ट्रपति पद पर बैठे एक बड़े व्यक्ति का दलित होना दलित समाज के साझा हितों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। उन्होंने खामोशी से, बेहद शालीनता से वह काम किया जो आरएसएस और बीजेपी चाहती रही है। क्या द्रौपदी मुर्मू जल जंगल जमीन की लड़ाई आदिवासियों की है उस पर कोई स्टैंड ले पाएंगी? क्या द्रौपदी मुर्मू जी कोई भविष्य में ऐसा कदम उठा पाएंगी कि यह जो पहली आदिवासी महिला होने का एक श्रेय उन्हें मिलने वाला है, यह उस समूह के, आदिवासी समाज के संस्कृति और वजूद के चल रहे संघर्षों, हसदेव बस्तर बकसवा के जंगलों में शहीद होते मारे जा रहे और लड़ रहे आदिवासियों के लिए कोई सुकून लेकर आने वाला है? क्या आदिवासी जो हिंदू संस्कृति के भीतर, वर्ण व्यवस्था के भीतर अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक वजूद के लिए लड़ रहे हैं, क्या संघ और बीजेपी के द्वारा चुनकर आने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू जी कोई एक हस्ताक्षर उस पन्ने पर कर सकती हैं जिससे आदिवासियों के सामूहिक हित उनको पूरे हो सके? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आने वाले वक्त में विचार होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनाया जाना, पहली महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया जाना, क्या केवल एक ऐसी रबर स्टाम्प की मोहर बन जाना है जैसे रामनाथ कोविंद दलितों के लिए थे, जैसे नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, जैसे तमाम 27 कैबिनेट के मंत्री ओबीसी, 12 कैबिनेट के मंत्री केंद्र में दलित, फिर भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण खत्म किए जा रहे, उनकी सरकारी शिक्षा बेची जा रही है, उनकी सरकारी नौकरी बेची जा रही है, उनके लोगों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये सारे नेता प्रतिनिधि कुछ नहीं करते। यानी एक ऐसे रबर स्टाम्प को आगे रख दिया गया है जिनका चेहरा दिखाकर आपको कहा जाएगा कि हम कर तो रहे सामाजिक न्याय, हमने दिया तो मौका 75 साल में पहली बार, लेकिन काम आरएसएस के एजेंडे पर होगा। वो जो जल जंगल जमीन है जिसे अंबानी और रानी को बेचा जाना है, शायद एक दलित राष्ट्रपति को, एक आदिवासी राष्ट्रपति को आगे करके वो काम बहुत खामोशी से और बहुत चुपचाप कर न लिया जाए। ये कुछ हमारे खतरे हैं, उम्मीद करते हैं और ये कामना है हमारी कि द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका झारखंड का राज्यपाल रहते हुए रिकॉर्ड कोई बहुत शानदार नहीं है, लेकिन शायद KR नारायणन की तरह कोई ऐसा कदम तो उठाएं, कोई ऐसी फाइल तो लौटाएं, कोई ऐसी दस्तखत तो करें जैसे लगे कि अगर आपने पहली महिला आदिवासी को चुना है तो उसने अपनी रीढ़ पर खड़े होकर के आदिवासियों के पक्ष के लिए कोई काम किया, वरना तमाम राज्यों के चुनावों में आदिवासियों की जल जंगल जमीन बेचने, आदिवासियों की संपदा बेचने, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार दमन करने और आदिवासियों का वोट लेने की राजनीति बीजेपी की सफल हो जाएगी, और कुछ आदिवासी लोग इस बात से खुश होकर के बीजेपी को वोट दे भी देंगे कि जो काम 75 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, और ये बात भुला दी जाएगी कि एक ऐसी मुहर सामने रख दी गई रामनाथ कोविंद की तरह कि उसके पीछे के अन्याय खामोशी से और बेहद क्रूरतम तरीके से करने में वो कामयाब हो गए। आप देख रहे थे द न्यूज़ बीक, मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपसे ये बातचीत कर रहा था। ये बातचीत आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूं। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए, और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।